Today we will start with sum number 4. Ajit and Sujit are partners in a firm sharing profits and losses equally. Ajit and Sujit are partners in a firm sharing profits and losses equally. So Ajit and Sujit, these are the names of old partners. So old partners capital account names are Ajit and Sujit. Profit sharing ratio. Profit sharing ratio 1:1. Their balance sheet as on 31st December 87 was as follows. Balance sheet ka asset side jo hai, asset side mein cash ka amount hai 800. Asset side mein cash account ka amount hai 800. तो कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट को डेबिट साइड पे लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 800. एसेट साइड में ये जो कैश का जो अमाउंट है 800, तो दिस इज रिकॉर्डेड इन द कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट है, लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट्स है ऑफ अजीत एंड सुजीत. तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट्स है इसको आपको लिखना है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अजीत का अमाउंट है 12,000, सुजीत का है 10,000. तो फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एसेट साइड में जो कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट का बैलेंस कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल अकाउंट्स है तो कैपिटल अकाउंट्स को लिखा है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सेकंड स्टेप जो है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व दिया है. बैलेंस शीट में ये जो जनरल रिजर्व है 1000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. बैलेंस शीट में ये जो लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ओन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व का अमाउंट है 1000, डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली 500. बैलेंस शीट के नीचे का भी फर्स्ट लाइन, दे एग्रीड टू एडमिट अभिजीत एज ए पार्टनर ऑन 1st January 88. दे एग्रीड टू एडमिट अभिजीत एज ए पार्टनर ऑन 1st January 88. तो अभिजीत, दिस इज द नेम ऑफ द न्यू पार्टनर. अभिजीत इज द नेम ऑफ द न्यू पार्टनर admitted in the partnership firm on 1st January 88. तो ये जो capital account जो है, ये capital account के पीछे आपको अभिजीत का name लिखना है. This is the capital account of the new partner. Name of the new partner is अभिजीत. तो अभिजीत का capital account. अभिजीत का जो नाम है, अभिजीत का नाम ये आपको balance sheet में capital accounts के नीचे भी लिखना है. Name of अभिजीत. Name of Abhijit will be recorded in the balance sheet on the liability side under the heading capital accounts. तो balance sheet में आपके capital account तीन हो गए, Ajit, Sujit and Abhijit. These are the three capital accounts. They agreed to admit Abhijit as a partner on 1st January 88. तो ये जो date है 1st January 88, ये आपको balance sheet को लिखना है. तो balance sheet of new firm as on 1st January 88. बैलेंस शीट का जो डेट है 1st January 88, ये आपका बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म का डेट है. फर्स्ट एडजस्टमेंट, ही शेल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, ही शेल हैव इट मींस अभिजीत शेल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. तो ये जो 1/4 है, This is only the information. ये जो first adjustment है, ये सिर्फ क्या है? ये information है.
In this information, they have given new partners. New partners share in the future profit is given. ये first adjustment का आपको कुछ करना नहीं है. In the first adjustment, this is only the information given about the profit sharing proportion of the new partner. तो sum जो start करना है, sum you have to start with the second adjustment. He shall bring 8,000 rupees as his capital. He shall bring 8,000 rupees as his capital. He shall bring it means Abhijit shall bring. So Abhijit shall bring 8,000 rupees as his capital. So 8,000 rupees इसका आपको journal entry करना है. 8,000 rupees का journal entry करना है. वो journal entry आपको theory में लिख के दिया हुआ है. वो entry कौन सा है? Entry number is 7. आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में थ्योरी में एंट्री नंबर 7 दिया है. व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन द बिजनेस हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश. व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन द बिजनेस हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश. तो जर्नल एंट्री आपको लिख के दिया है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल. सो दिस इज अ कंपलसरी एंट्री इन एवरी प्रॉब्लम. Whenever new partner is admitted in the partnership firm, he has to bring in the business his share of capital in cash. तो journal entry है cash account debit to Abhijit's capital. इसका posting करना है. ये journal entry का cash account में और Abhijit के capital account में ledger posting करना है. तो cash account debit side to Abhijit's capital account 8,000 and Abhijit's capital account credit side by cash account. So second adjustment का जो first line है, he shall bring 8,000 rupees as his capital. तो 8,000 रुपीस इसका जर्नल एंट्री किया. he shall bring it means new partner shall bring 8,000 रुपीस as his capital. तो 8,000 रुपीस का एंट्री किया हमने कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल. इसका पोस्टिंग किया कैश अकाउंट में टू अभिजीत कैपिटल और अभिजीत कैपिटल में बाय कैश. ये अभिजीत का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है. अभिजीत कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड 8,000, ये सेम डेबिट साइड पे लेना है. डेबिट साइड पे लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन. अभिजीत कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड 8,000, सेम डेबिट साइड पे लिया है. डेबिट साइड पे लिखा है टू बैलेंस कैरी डाउन. ये जो अभिजीत का जो बैलेंस है, अभिजीत का बैलेंस, इसको बैलेंस शीट में लेना है. लायबिलिटी साइड में ये कैपिटल अकाउंट्स के नीचे अभिजीत का नाम लिखा है, तो अभिजीत का अमाउंट 8,000. तो अभिजीत कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है. बैलेंस कैरी डाउन इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स के नीचे ट्रांसफर कर. सेकंड एडजस्टमेंट, ही शैल ब्रिंग 8,000 rupees as his capital and rupees 4,000 as his share of goodwill. Goodwill का जो treatment है, आपको third adjustment में treatment of goodwill that is given the adjustment number third. Ajit and Sujit withdraw 40% of the amount of goodwill. अजीत एंड सुजीत विड्रॉ 40% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल. यहां पे अंडरलाइन करना है विड्रॉ 40% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल. अंडरलाइन करना है विड्रॉ 40% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल. सो दिस इज द ट्रीटमेंट नंबर सेकंड. ये आपका गुडविल का ट्रीटमेंट नंबर है सेकंड. एडजस्टमेंट आपको दिया है अजीत एंड सुजीत विड्रॉ 40% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल. तो दिस इज द ट्रीटमेंट नंबर सेकंड. ये जो ट्रीटमेंट नंबर सेकंड है, इसका टाइटल आपको दिया है व्हेन न्यू पार्टनर
when new partner brings in the business, his share of goodwill in cash and amount of goodwill withdrawn by old partners. ये goodwill का treatment कौन सा है? Goodwill का treatment number है second. Second treatment का title आपको दिया है. When new partner brings in the business, his share of goodwill in cash and amount of goodwill withdrawn by old partners. Under this treatment number second, there are three entries are given. इसमें तीन entries हैं. First entry, cash account debit to goodwill account. Second entry, goodwill account debit to old partner's capital account. And third entry, old partner's capital account debit to cash account. So these are the three entries of treatment number second. Adjustment आपको दिया है, second adjustment. He shall bring 8,000 rupees as his capital. तो 8,000 rupees इसका posting हमने already किया हुआ है. Cash account में लिखा है Abhijit's capital में लिखा है by cash. And rupees 4,000 as its share of goodwill. तो 4,000 rupees का entry है cash account debit to goodwill. 4,000. दूसरा entry goodwill account debit to old partner's capital. Goodwill का जो amount है, goodwill का amount है 4,000. गुडविल जो है गुडविल का अमाउंट है 4000. तो ये जो सेकंड एंट्री है गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, दिस इज आल्सो रिकॉर्डेड विद 4000. तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इसका पोस्टिंग करना है, इसका लेजर पोस्टिंग करना है. कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखना है टू गुडविल अकाउंट 4000. गुडविल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना है बाय कैश अकाउंट 4000. एडजस्टमेंट जो है सेकंड एडजस्टमेंट, ही शैल ब्रिंग 8000 रुपीस एज हिज कैपिटल एंड 4000 रुपीस एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. तो 4000 रुपीस का एंट्री किया है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इसका पोस्टिंग किया कैश अकाउंट में टू गुडविल, गुडविल अकाउंट में बाय कैश. दूसरा जो एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, अब इसका लेजर पोस्टिंग करना है. सेकंड जर्नल एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, इसका लेजर पोस्टिंग. तो गुडविल अकाउंट में लिखना है टू ओल्ड पार्टनर्स, जो है ओल्ड पार्टनर्स के नेम्स लिखना है टू अजीत्स कैपिटल अकाउंट, टू सुजीत्स कैपिटल अकाउंट. ये जो 4000 रुपीस जो अमाउंट है इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. 4000 रुपीस को अजीत एंड सुजीत में डिस्ट्रीब्यूट करना है. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है. तो 4000 रुपीस जो है ये 4000 रुपीस को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2000 2000. तो गुडविल अकाउंट में लिखा है टू अजीत कैपिटल टू सुजीत कैपिटल, इसका क्रॉस इफेक्ट देना है. इसका क्रॉस इफेक्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल अकाउंट 2000 2000. गुडविल अकाउंट में लिखा है टू अजीत कैपिटल टू सुजीत कैपिटल, गुडविल का जो अमाउंट है 4000 ये अजीत एंड सुजीत में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है. इन दिस प्रॉब्लम ओल्ड पार्टनर्स का रेशो इक्वल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल. तो 4000 रुपीस को अजीत एंड सुजीत में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है. गुडविल अकाउंट ये आपका क्लोज हो गया विद 4000. एंड नाउ दिस थर्ड एडजस्टमेंट है
concerned that Ajit and Sujit withdraw 40% of the amount of goodwill. अभी ये जो 40% है, ये 40% आपको 4000 में कैलकुलेट करना है. 40% this you have to calculate on 4000. तो 4000 का 40% अमाउंट आएगा 1600. ये जो थर्ड एंट्री है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ये जो थर्ड एंट्री है, हियर यू हैव टू कैलकुलेट दिस 40% एडजस्टमेंट है. अजित एंड सुजीत विड्रॉ 40%. 40% किस पे कैलकुलेट करना है? 40% 4000 पे निकलना है. तो 4000 का 40% ये अमाउंट आ गया आपका 1600. अब इसका लेजर पोस्टिंग करना है. एंट्री का लेजर पोस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका लेजर पोस्टिंग होएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड एंड कैश अकाउंट क्रेडिट साइड. ये जो एंट्री है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका लेजर पोस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, यहां पे आपको लिखना है टू कैश अकाउंट. ये जो अमाउंट है 1600, ये 1600 इसको अजित एंड सुजीत में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ये जो अमाउंट है 1600 दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अजित एंड सुजीत. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है. तो 1:1 में क्या करना है, ये 1600 को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो अजित के कॉलम में 800, सुजीत के कॉलम में 800. तो ये जो थर्ड एंट्री है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 1600 ये अमाउंट कैसे है 40% 4000 का. तो 4000 का 40% ये आ रहा है 1600. ये 1600 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा है तुमने टू कैश, अभी कैश अकाउंट में लिखना है क्रेडिट साइड में लिखना है. तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय अजित कैपिटल अकाउंट बाय सुजीत कैपिटल. इसका पोस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स में लिखा है टू कैश, कैश अकाउंट में बाय अजित कैपिटल बाय सुजीत कैपिटल 800. ये तो अमाउंट है 800. इसका क्रॉस इफेक्ट दिया कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड. अब ये कैश अकाउंट क्लोज करना है. कैश अकाउंट का डेबिट साइड 12,800, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करना है. कैश अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 12,800 सब्ट्रैक्ट द क्रेडिट साइड, डिफरेंस को लिखना है बाय बैलेंस कैरीड डाउन. कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड 12,800, इसमें से 1,600 माइनस किया है. तो 12,800 माइनस 1,600 कैश अकाउंट का बैलेंस आ गया 11,200. ये जो कैश अकाउंट का बैलेंस है इसको बैलेंस शीट में लेना है, एसेट साइड में लेना है. कैश 11,200 कैश अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट साइड पे ट्रांसफर किया.